हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या होता है। देखो, ये वीडियो कंटिन्यूएशन में देख रहे हो ना, पहले ये चीज़ इंश्योर कर लो। अगर अभी तक ब्लॉस थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देख लो, क्योंकि पीरियोडिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये जो क्रॉनिक पेनी मॉडल है ये उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। उसके आगे की कहानी जो है वो क्रॉनिक पेनी भाई साहब ने करी थी। जो हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल वाला मामला है, ये पीरियोडिक पोटेंशियल का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ जी भैया, ये ग्राफ बनता हुआ हमें दिख रहा है कि भैया जब हमारा इलेक्ट्रॉन आयन कोर के पास में है तो क्या है भैया, जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो है। जैसे ही दो आयन कोर्स के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन आता है वैसे ही हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम चला जाता है। क्या ये वही ग्राफ है? हाँ जी भैया, ये वही ग्राफ है। ये पीरियोडिक पोटेंशियल वाला ग्राफ है जो हमने पिछली वीडियो में ब्लॉस थ्योरम के लिए देखा था, ये वही वाला ग्राफ है। हाँ जी भैया, चलिए वही वाला ग्राफ है। अब क्रॉनिक पेनी का, जो क्रॉनिक पेनी साइंटिस्ट हैं उनका योगदान एक्चुअली था क्या? क्या हुआ कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उसके साथ जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो ये पीरियोडिक पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आया, जब जीरो पोटेंशियल था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वी की जगह आप डायरेक्ट जीरो पुट करो और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल आती थी। लेकिन जैसे ही ये पीरियोडिक पोटेंशियल वाला मामला आया, वहां पे आए क्रॉनिक पेनी और उन्होंने कहा भैया ये कमांड आप हमें दे दो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम सॉल्व करके दिखाएंगे फॉर दिस पीरियोडिक पोटेंशियल। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना, ये क्योंकि एक यूनिफॉर्म ग्राफ है, उन्होंने क्या किया कि इस ग्राफ को, ये जो चेंजिंग है कि अगर मैं यहाँ जीरो से लेके मैक्स की बात करूँ तो इसके बीच में हमें इंटीग्रेशन लगाना होगा, ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया हम इस ग्राफ को ऐसा बना सकते हैं, कि ये जो दो जीरोस के बीच वाला पॉइंट है इसे हम क्या कह देंगे भैया, पोटेंशियल वेल। मैं इसको PW बोल रहा हूँ, फिजिक्स वाला नहीं, पोटेंशियल वेल, इसको आप पूरा लिख लेना, ठीक है। हम क्या कह देंगे कि भैया ये दो हाईज के बीच में जो लो वाला पार्ट है उसे हमने कह दिया पोटेंशियल वेल, और ये जो हाई है ये यहाँ से लेके यहाँ जो है ये वाला जो पार्ट है इसे हमने कह दिया भैया क्या, पोटेंशियल बैरियर। क्या कहा हमने? इसे कह दिया पोटेंशियल बैरियर। और इस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर लिया फॉर दिस ग्राफ। कैसे किया है भैया, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको कैसे किया है। क्या किया है इन्होंने, ये ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ बनाया है, और उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको पोटेंशियल वेल कंसिडर कर लिया है, और जैसे ही ये हाई पे आया इसको पोटेंशियल बैरियर कंसिडर किया, और इसको इस तरीके से ऐसा। क्या आपको ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं क्या? रेड कलर में बना देता हूँ, चलो यहाँ से आया ये 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 ये। तो यहां पे क्या हो रहा है भैया, हमने इस कर्व को, ये जो कर्व है उस कर्व को हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में दिखा लिया। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो पोटेंशियल की वैल्यूज आ गई। एक तो जो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, इस केस में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल मैक्सिमम हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। तो हमने कह दिया कि भैया जो रीजन नंबर वन है वहां पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो है। इन रीजन नंबर वन में जो आपका पोटेंशियल है वो जीरो है, और रीजन नंबर टू में जो आपका पोटेंशियल है वो वी इज इक्वल टू वी नॉट है फॉर रीजन नंबर टू। रीजन नंबर टू क्या है? पोटेंशियल बैरियर है। रीजन नंबर वन को हम कहते हैं जहां जीरो पोटेंशियल है उसे हम कह देते हैं भैया पोटेंशियल वेल। क्या इतनी कहानी है समझ में आई? हाँ जी भैया, ये क्रॉनिक पेनी ने ये सबसे पहला चेंज किया। अब ये चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि अगर हमारे पास थोड़ी सी फाइनाइट वैल्यूज होंगी ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया हम श्रोडिंगर इक्वेशन को थोड़े केसेस में डिवाइड करके एक रीजन वन के लिए केस बना लिया और एक रीजन टू के लिए केस बना लिया और उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, कंटिन्यूअस वेव्स के फॉर्म में होगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और दूसरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, तो उसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया। अब ये क्रॉनिक पेनी मॉडल एक्चुअल में आया क्यों? पहला तो हमें समझ में आया कि भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इन दोनों पोटेंशियल के लिए फाइंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्रॉनिक पेनी ने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का फॉर्म दे दिया।
दूसरा इसका सबसे मेन कारण ये है, ये कारण आप चाहो तो अपने भाषा में पॉइंट वन पॉइंट टू लिख भी सकते हो। दूसरा कारण ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेटल के अंदर, मेटल लैटिस के अंदर मंडरा रहे हैं, इधर से उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनका किसी भी जगह पर एनर्जी स्टेट क्या है? अगर 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 उनका पोटेंशियल जीरो है, अगर उनका बी इज इक्वल टू जीरो है, तब उनके पास क्या एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितनी एनर्जी है उनके पास उतनी। दूसरा, दूसरी रीजन में जब उनके पास V इज इक्वल टू वी नॉट है, जब उनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल है, उस केस में उनका एनर्जी क्या होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से मूव कर रहा है, उसको पाने के लिए भी हमने क्या किया, क्रॉनिक पेनी मॉडल को यूज़ किया। क्रॉनिक पेनी भाई साहब ने, जो हमारी ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये भी चीज़ हमें निकाल के दी कि कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी होगी। तो ये डेरिवेशन जो आज हम करने वाले हैं, उसका मेन मकसद ही यही होगा कि हम क्या करें, उन दोनों एनर्जीज को फाइंड करें कि V इज इक्वल टू जीरो पे क्या एनर्जी है और V इज इक्वल टू मैक्सिमम पे क्या एनर्जी। क्या आप तैयार हो डेरिवेशन के लिए? नहीं भैया तैयार नहीं, उसके पहले आप ये डेफिनेशन बताओ, कब से मैं इसको देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, ऐसा गंदा गंदा सा। सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना कैसे, हेडिंग डाल लो, हेडिंग के बाद सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखो, केपी मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल। वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल कैसा दिखता है भैया? कुछ ऐसा दिखता है, आयन कोर्स का अरेंजमेंट है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका चेंज इन द पोटेंशियल किस तरीके का है, एनर्जी स्टेट्स कैसे हैं, वो सब सिंप्लीफाई किया किसने, केपी मॉडल। पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या, द मॉडल कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ क्रिस्टल वेयर एटम्स क्रिएट अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ पोटेंशियल वेल्स जो कि है लो एनर्जी रीजन और पोटेंशियल बैरियर्स जो कि है हाई एनर्जी रीजन। क्या ये हमारा पोटेंशियल बैरियर हाई एनर्जी रीजन है? हाँ जी भैया, वहाँ V इज इक्वल टू वी मैक्स है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है। तो जो हमारा ये पोटेंशियल बैरियर है, उसे हम हाई एनर्जी रीजन कहेंगे, क्योंकि वहाँ एनर्जी ज़्यादा मिल रही होगी, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा मिल रहा होगा। दूसरा, जो हमारा पोटेंशियल वेल है, वो हमारा लो एनर्जी रीजन है, जिसे हमने यहाँ रीजन वन से डिनोट किया है। रीजन वन मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए ले लिया, क्योंकि डेरिवेशन में आपको ये काम आएगा। डेरिवेशन में आप दो इक्वेशंस अलग अलग बना रहे होंगे, फॉर रीजन वन एंड फॉर रीजन टू, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस होंगी। तो अभी के लिए उस चीज पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी इसको समझो। दिस पीरियोडिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। कि भैया किस तरीके से क्रिस्टल के अंदर एटम्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, वो भी हमने केपी मॉडल से समझा। ये केपी मोड नहीं है, केपी मॉडल होगा, ठीक है। हमने ये चीज़ केपी मॉडल से समझी, तो ये चीज़ें लिख लो। दूसरा, जो दो मैंने पॉइंट्स लिखवाए कि पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालने के लिए फायदेमंद है, और दूसरा भैया एनर्जी की वैल्यूज क्या है एग्जैक्ट दो रीजन्स में, वो हमें केपी मॉडल से मिल पाई। ये दोनों चीज़ें आप अपनी कॉपी में पहले नोट कर लो। चलो साइड हट जाता हूं, इसको नोट करो। ये डायग्राम भी आप बना लेना यार, ये डायग्राम बेहतरीन जैसा है ना वैसा ही बना लो। एक काम करो, इसके ऊपर ओवरलैपिंग ये डॉट डॉट में कर लेना, ताकि समझ में आए कि भैया ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर किस तरीके से आए। इसको बना लो, सर लेवल सब क्या? अरे हम भी आ गए सर, मत रड़ो, हम भी आ गए सचिन सर के वीडियो में, मेरा नाम कमेंट कर देना। चलिए चलिए, अब इसके बाद हम मूव करते हैं डायरेक्टली डेरिवेशन में। इसको नोट कर लिया, चल इन दो रीजन्स की बात पहले करनी पड़ेगी। इन दो रीजन्स में क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ आप बन रहा है, इसमें एक है रीजन वन, जहां जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी एक्स की बात अगर मैं करूं तो वो कितना है, जीरो। कहने का मतलब ये, एक सेकेंड, ये चीज मैंने बनाई है, ये क्यों बनाया गया है कि सपोज ये जो पॉइंट है, इसको हमने मान लिया जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड ए तक इसके बीच में जितना भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा भैया, जीरो। जितना भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भैया, जीरो। और जीरो, एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो जीरो है ये वी है, ठीक है, पोटेंशियल है आपका, और ये जीरो अलग है। इसको एक टाइमलाइन की तरह समझो कि बीच में आता है आपका जीरो, और इधर आपके पॉजिटिव वैल्यूज आ गए, इधर आपके नेगेटिव वैल्यूज आ गए। तो हमने क्या किया कि जीरो के जो राइट हैंड साइड है मेरा, राइट, तो आपके राइट हैंड साइड क्या है, ए, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस बी है।
जीरो से माइनस बी आओगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, वी नॉट, जो कि है वी मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और जीरो से राइट हैंड साइड ए की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, वी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भैया, जीरो। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, जो रीजन वन है जिसे हम पोटेंशियल वेल भी कॉल कर रहे हैं वो कहां से कहां तक है, जीरो से ए के बीच में है। और जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कॉल कर रहे हैं वो कहां से कहां तक है भैया, माइनस बी से जीरो के बीच में है, जिसे हम कह रहे हैं भैया क्या, सेकेंड रीजन। जिसे हम कह रहे हैं भैया सेकेंड रीजन, ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन जो है वहां पोटेंशियल वेल जिसे हम कह रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है, वी इज इक्वल टू जीरो है। और जो आपका सेकेंड पोटेंशियल है, सेकेंड रीजन है, उसका पोटेंशियल कितना है, वी मैक्सिमम, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं वी नॉट से। ये वी नॉट कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, 8 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी हो सकता है, 15 वोल्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये वाली कहानी है। अब क्या हुआ कि हमें जरूरत पड़ गई कि भैया वी इज इक्वल टू जीरो जब होगा तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब कितनी होगी। और दूसरा कि सेकेंड वाले रीजन में जब v इज इक्वल टू वी नॉट होगा उस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। इन दोनों रीजन में हमें एनर्जी फाइंड करना। अब इस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का सहारा लिया। अभी आपने मेरे ख्याल से क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता है। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस, जो आपका एनर्जी है ई माइनस वी एक्स। वी एक्स क्या है भैया, आपका पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है। साई इज इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे कि फॉर रीजन वन, या कि चलो इसको पूरा मत लिखो, रीजन वन के लिए हम क्या करेंगे कि वी एक्स की जगह हम क्या करेंगे भैया, जीरो पुट कर देंगे। तब क्या इक्वेशन आएगी, इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही होगी, डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर वन हमने माना है। दूसरा ई माइनस वी एक्स की जगह हमने जीरो लिख दिया, साई इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमने क्या किया, सेम चीज हमने सेकेंड रीजन के लिए कर दी। सेकेंड रीजन में हमारे वी एक्स की वैल्यू क्या है भैया, वी नॉट है, तो क्या करना है, वी एक्स की जगह पे वी नॉट लिख दो। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया क्या, इसको नोट करो फटाक से। इसके आगे आप क्या करना है, देखो मेरी बात, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन ये है, इक्वेशन नंबर ये वाली हो गई थ्री। क्या करो मुझे एक बात बताओ, अगर इस माइनस को मैं बाहर निकालूं, अगर मैं इस माइनस को बाहर निकालूं तो क्या ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। हाँ जी भैया, ये प्लस आपका हटता कैसे, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा भैया चेंज, क्या होगा भैया चेंज, वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा आपका प्लस में, और जो आपका एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये क्यों किया है ये आपको कॉन्टेक्स्ट अभी आगे समझ में आएगा, अभी के लिए ये चीज समझो। अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली पूरी वैल्यू है, जो ये वाली पूरी वैल्यू है इसको मान लो अल्फा स्क्वायर, और जो ये वाली पूरी वैल्यू है इसको मान लो बीटा स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया, हमने क्या किया, ये जो पूरी वैल्यू है जिसे हम 2m जीरो हटा दोगे तो 2me अपॉन h कट स्क्वायर है, इसको हमने क्या मान लिया, अल्फा स्क्वायर मान लिया। और दूसरी तरफ जो हमारा 2m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर v नॉट माइनस एनर्जी e है, उसे हमने क्या मान लिया भैया, बीटा स्क्वायर मान लिया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, जैसे ही इस पूरी इक्वेशन की जगह पे आप अल्फा स्क्वायर पुट करोगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर फोर, क्या है, डेल स्क्वायर साई। यहां पे क्या निकल के आएगा भैया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हमने क्या किया भैया, यहां पे हमने इसको मान लिया अल्फा स्क्वायर मानोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ है ना, क्या है, फोर्थ, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन खेलो यार, बहुत 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 ही वाहियात चीज है, मतलब इसको एक लाइन एक फ्लो में लेके चलोगे ना, फ्लो कैसा हुआ अभी तक क्या समझिए, बताए मेरे को अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने ये समझा कि भैया पोटेंशियल वेल के लिए हमने ये सिचुएशन निकाली है, दूसरे बात पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर के लिए रिस्पेक्टिव सिचुएशन हमने निकाली है,
इसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होती है, उसी से हमने Vx की जगह पे दोनों पोटेंशियल को पुट किया। पोटेंशियल को जैसे ही फर्दर सॉल्व करोगे क्या मिलेगा भैया, अल्फा स्क्वायर, एक सेकेंड, पोटेंशियल को जैसे ही फर्दर सॉल्व करोगे ये दो इक्वेशन मिलेंगी। इस इक्वेशन की जगह पे हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया, और इस इक्वेशन की जगह पे हमने क्या लेट कर लिया, बीटा स्क्वायर, ये लेट किया गया है, लेट। इसको अच्छे से लिखवा दूं क्या, चलो ठीक है अच्छे से लिखवा देते हैं, क्या दिक्कत है, मैं इसको हटाओ, यहां लिख लो, लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, यही है ना। हाँ जी भैया, अल्फा स्क्वायर को हमने मान लिया कि 2me अपॉन एच कट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने बीटा स्क्वायर को क्या माना है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के बाद क्या था, वी नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर। तो हमने ये रिस्पेक्टिव चीजें मानी। अब जैसे ही आपने ये माना क्या हुआ भैया, एक सेकेंड, इसको अपन ऐसा कर, एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई भैया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। क्या ये वही वाली इक्वेशन है, डेल स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, क्या अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, हाँ जी भैया ये सेम इक्वेशन है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। दूसरी तरफ एक और इक्वेशन बन रही होगी, इसमें क्या आएगा भैया, बीटा स्क्वायर आएगा। इस बीटा स्क्वायर में हमने क्या देखा है कि हमने 2m अपॉन h कट स्क्वायर को इंटू वी नॉट माइनस ई, इसको क्या मान लिया भैया, लेट कर लिया है कि ये बीटा स्क्वायर, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी इज इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। ये दो इक्वेशन समझ में आई क्या, यहां तक कोई डाउट है, नहीं भैया यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। ये दोनों हमें पता है क्या मिला है, ये दोनों हमें मिली है भैया श्रोडिंगर, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, क्या है भैया, ये दोनों है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 1 एंड रीजन 2 रिस्पेक्टिवली। रीजन 1 के लिए हमें 4th इक्वेशन मिली है जो कि क्या है, रीजन 1 के लिए हमें ये वाली इक्वेशन मिली है, और रीजन 2 के लिए हमें ये वाली इक्वेशन मिली है, क्या ऐसा ही कुछ है, हाँ जी भैया ऐसा ही कुछ है, एक यहाँ पे माइनस आएगा, चलो इसको कर लो माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे आ गया माइनस। ये रिस्पेक्टिव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या हुआ कि हमने दो रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को फाइंड करने के लिए पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया कि भैया पोटेंशियल वेल में क्या होगा, वी इज इक्वल टू 0 होगा, पोटेंशियल जो वेल होगा वहां पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही हम पोटेंशियल बैरियर वाले रीजन में जाएंगे जो कि हमारा रीजन नंबर 2 है, वहां पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भैया पोटेंशियल मैक्सिमम, जिसे हम वी नॉट से भी डिनोट करते हैं। अब इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई वेव एसोसिएटेड होगी, हाँ जी भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। उसी वेव के एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, उसी वेव का एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। और अभी मैंने आपको ब्लॉच थ्योरम वाले उसमें बताया था कि वेव इक्वेशन की जहां किसी भी पार्टिकल के साथ अगर वेव एसोसिएटेड है तो उसकी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक वेव फंक्शन होगा। तो इन दोनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का वेव फंक्शन पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, जिसे हम कहते हैं भैया ब्लॉच इक्वेशन। क्या कहते हैं भैया, ब्लॉच इक्वेशन। तो क्या आपको ब्लॉच इक्वेशन याद है, हाँ जी भैया, हमारी ब्लॉच इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती थी, आई के एक्स, और प्लस में आता था, प्लस में नहीं, इनटू में आता था भैया हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन। क्या आता था भैया, हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन आता था जिसे हमने यू एक्स के नाम से डिनोट किया है। तो ये क्या है भैया, वेव फंक्शन फॉर इक्वेशन नंबर कौन कौन सी है, ये जो दोनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकली ना, इन दोनों के रिस्पेक्टिव क्या है, एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, हाँ दोनों का सेम वेव फंक्शन होता है, ठीक है। उसी वेव फंक्शन को फॉर 4 एंड 5, ये वेव फंक्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा। यहां पर ये जो यू एक्स है, इसे हम कहते हैं ब्लॉच फंक्शन, क्या कहते हैं भैया, ब्लॉच फंक्शन, एंड this is called as Bloch theorem, इसे हम कहते हैं भैया Bloch
थ्योरम, ये जो पूरी आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो आपका वेव फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि ब्लॉच थ्योरम की पूरी कहानी ही किस पे आधारित है कि भैया जो पीरियोडिक पोटेंशियल है वहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या वेव फंक्शन है, हमें वो निकालना है, यही है वो वेव फंक्शन। तो ये पूरी कहानी है। अब हमें क्या करना है कि इस वेव फंक्शन को, ये जो वेव फंक्शन हमारा निकला, इसको हमने क्या मान लिया भैया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है भैया, छठवीं इक्वेशन चल रही है ना, हाँ, फाइव के बाद सिक्स आएगा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सिक्स। हम क्या करेंगे, इस सिक्स्थ इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएटिंग, राइटिंग थोड़ी गंदी है चला लेना, डिफरेंशिएटिंग सिक्स इक्वेशन ट्वाइस। जब इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे, पहला तो ये थोड़ा सा लेंदी सा है, तो इसके लिए हम माहौल बना लेते हैं। माहौल क्या होता है भैया, देखो अभी माहौल क्या होता है, जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू, और ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले जब डेल साई डी साई अपॉन डी एक्स लिखोगे तो क्या होगा, अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि एक को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफरेंशिएट किया। जब दूसरे को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा भैया, पहले को छोड़ दो एज इट इज e टू द पावर आई के एक्स, और दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला भैया, डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। क्या यही मिल रहा होगा, हाँ जी भैया यही मिल रहा होगा। ठीक इसी तरीके से, एक सेकेंड, आप एक काम करोगे, ये यू एक्स मत लिखो, एक्स हटा दो, यू बस लिखो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब प्लस करेंगे, अब हमने क्या किया, एक को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, अब सेम दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। क्या किया हमने यहां पे, यू एक्स को एज इट इज छोड़ दो और इसके बाद डिफरेंशिएट करो इसको। यहां पे क्या है कि आई और के हम देख रहे हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे, तो जो आप आई और के देख रहे हो ये है आपका कॉन्स्टेंट, तो आई और के आप डायरेक्ट यहां पे डाल लो आई के, और यहां पे आ जाएगा आई के एक्स, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है। पहले हमने एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन तो आता है ना यार, मतलब चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा, साथ ही साथ एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट में लगा हुआ है वो आगे आ जाएगा। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई, ये हमारा हो गया पहला डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या है ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। अब इसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने अभी, इस फंक्शन को जो हमारे ये दो पैरामीटर्स है, हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, कि भैया पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो और पहले को डिफरेंशिएट करो। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया और पहले वाले को छोड़ दिया, फिर हमने क्या किया प्लस के बाद कि हमने भैया इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसको छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हमारा इस तरीके से हो गया। अब यही सेम रूल इसके ऊपर लगाओगे और यही सेम रूल इसके ऊपर लगाओगे, इसमें इंडिविजुअली पहले को छोड़ोगे दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद दूसरे को छोड़ोगे पहले को डिफरेंशिएट करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ लगाना है और प्लस उसके बाद सेम डिफरेंशिएशन यहाँ लगाना है। क्या इतनी चीज़ समझ में आई, क्या इतनी कहानी समझ में आई, हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा भैया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई ही है ना इधर पे, हाँ भैया डेल स्क्वायर साई, और पहला इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा, ई टू द पावर माइनस के एक्स, पहले को छोड़ा ई टू द पावर आई के एक्स को छोड़ा, और जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला क्या था भैया, दूसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। अब उसके बाद प्लस, अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको छोड़ा इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा भैया, डी यू अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो चीज हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस प्लस जब इसको छोड़ोगे डी यू अपॉन डी एक्स और इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, सेम आई के कॉन्स्टेंट है वो आगे आ जाएगा, आई और के कॉन्स्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल खुद, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, एक्सपोनेंशियल खुद। क्या इतनी कहानी समझ में आई, ये हो गई आपका पहला टर्म। प्लस
उसके बाद ये हमने अभी डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो ये है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, इसको सबसे पहले बाहर निकाल लो, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। आई के को सबसे पहले बाहर निकाल लो, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, रेड से लिख लूँ, चलो रेड से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आई को के को एक जगह पर रख लिया। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, यू एक्स को छोड़ोगे, ई टू द पावर आई के एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसके बाद दूसरे को छोड़ा, पहले को डिफ्रेंशिएट किया। क्या ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया? हाँ जी भैया, अभी तक तो रट गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, यू के एक सेकेंड, यू एक्स को छोड़ा और किसको डिफ्रेंशिएट किया, ई टू द पावर आई के एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो कितना आ गया भैया, आई के एक्स मल्टीप्लीकेशन में और एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद प्लस, तो ये वाली चीज चल रही इधर पे, हाँ प्लस में क्या हुआ, अब क्या करना है, इस वाले टर्म को छोड़ना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इतना करने के बाद क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा और इधर साइड आ जाएगा भैया ई टू द पावर आई के एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया। चलिए, ये वाली चीज समझ में आई क्या? हाँ जी भैया, ये वाली चीज हमें चमक चुकी है। ये हो गया हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन। हमने क्या किया, जो हमारा वेव फंक्शन था कहाँ गया वेव फंक्शन, हाँ ब्लॉच थ्योरम, जो हमारा ये वेव फंक्शन था, इसको हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई क्या, डिफ्रेंशिएशन बन रहा है, कहीं पे कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, चलो उसको पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या सही आ रहा है। हाँ भैया, ये पूरी कहानी सही है, सेम चीज़ सारी चीज़ लिखी हुई है। हाँ, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा अंदर भेज दो, एक काम करो अंदर भेज दो, तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक आई के आ जाएगा और प्लस यहाँ पर भी एक आई के आ जाएगा, तो ये आई के दोनों इंटू में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के अंदर उसको भेज दिया, ठीक है। तो ये वाली आपकी इक्वेशन निकल के आ चुकी है। इस इक्वेशन को आप कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन को सपोज इसका नाम हमने रख लिया भैया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7 और हमने क्या किया, पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 4, जो आपकी चौथी इक्वेशन थी जिसमें अल्फा स्क्वायर वाला वैल्यू था, ये जो आपकी चौथी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें अल्फा स्क्वायर वाला यूनिट था, वहां पे जो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इस पूरी टर्म की जगह पे, ये पूरे टर्म की जगह पे हमने क्या कर दिया, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन के बाद टर्म आया है उसको हमने लिख दिया। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अल्टीमेटली थोड़ा बोर्ड भरने वाला है, तो आप आराम से चलना, या एक काम करो, ये चीज़ आपने नोट कर ली, इसको नोट, एक सेकेंड, जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ नोट करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो, हाँ भैया नोट करते जाना, चलो एक काम करो, नोट कर लो पहले सारी चीज़ें, नोट कर लो पहले सब कुछ, यहाँ से चालू करते हैं, इसको पहले नोट करो। कर लिया क्या, चलो इसको नोट कर लिया, अब इसको नोट करो, सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में हैं, आप जब अपने नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स में आपको सब कुछ कंटिन्यूएशन में ही मिलेगा, इसको नोट कर लिया। चल, इतना नोट करने के बाद आपकी ये चौथी और पांचवी इक्वेशन निकली, इसको नोट करो, कर लिया, चलो इसको नोट करने के बाद अब आपको मिलेगी ये वाली इक्वेशन जिसमें हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया है एक बार, ठीक है, ये आपको डिफ्रेंशिएशन एक बार हमने करके बताया है, ठीक है। चलिए, अब जब ट्वाइस डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हमें 7th इक्वेशन मिलने वाली है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है ना, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना। अब लास्ट में इस 7th इक्वेशन को हमें क्या करना है, जो हमारा इसको इरेज कर दो, क्या इसको भी नोट ही कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 7th इक्वेशन को हमने क्या किया है, 4th इक्वेशन में पुट किया है। हमारी 4th इक्वेशन क्या थी, ये है हमारी 4th इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर हमें इसकी जगह पर जो हमने ट्वाइस डिफरेंशिएशन किया है उसको पुट करना है। भैया ये वाली पूरी वैल्यू क्या है, सबसे पहले e टू द पावर माइनस के एक्स डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, छोटा छोटा लिखता हूं थोड़ा सा, e टू द पावर आई के एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, फिर उसके बाद एक सेकेंड डी स्क्वायर यू एक्स है, चलो ठीक है, प्लस डी यू अपॉन डी एक्स आई के, और ये पूरी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस, एक सेकेंड भूल गया, हमें खूब भूल गया, डी यू अपॉन डी एक्स आई के, और ये
मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई आपकी पूरी इक्वेशन। हमने क्या किया, सिंपली अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू जो हमने डिफरेंशिएशन के बाद निकाली थी हमें उसे पुट कर दिया। दूसरी चीज, ये जो अल्फा स्क्वायर साई लिखा हुआ है, ये जो अल्फा स्क्वायर साई लिखा हुआ है, क्या आपको पता है कि जो हमारा साई है, जो कि एक वेव फंक्शन है, साई की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर आई के एक्स यू एक्स। इस चीज को यहां पुट कर लो। इसको दोबारा लिखो क्या? नहीं भैया दोबारा मत लिखो, एक काम करो यहीं पे आप पुट कर लो। नोट कर लेना, ये वाला स्टेप मिस मत करना। क्या किया मैंने अभी, ये वाला स्टेप मिस मत करना, ये इक्वेशन पहले नोट करो। कर लिया नोट, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन में जो अब मैं मिटा रहा हूं उसको करना, ठीक। यहां प्लस की जगह पे क्या लिख दो, क्योंकि वहां अल्फा स्क्वायर साई लिखा हुआ था, क्योंकि वहां अल्फा स्क्वायर साई लिखा हुआ था, साई की जगह पे क्या रख दो, वो वाली इक्वेशन रख दो। यहां पे क्या आ गया, साई के साथ आ गया ई टू द पावर आई के एक्स और यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर हर जगह हमें ई टू द पावर आई के एक्स की टर्म मिल रही है? हाँ जी भैया, हर जगह हमने e टू द पावर i के x की टर्म रख रखी है। पूरी इक्वेशन में, पूरी की पूरी इक्वेशन में हमें e टू द पावर i के x मिल रहा है। क्या हम डिवाइड कर सकते हैं e टू द पावर i के x ऑन बोथ साइड, क्योंकि अल्टीमेटली जो RHS है वो जीरो है, तो वहां अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, अब ये सारी जो e टू द पावर i के x वाली टर्म है, ये सब कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही होगी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स आई के प्लस यू एक्स आई के प्लस आई के डी यू अपॉन डी एक्स। कोई चीज़ छूट जाए तो उसको अपने हिसाब से कर लेना, मतलब वो ऐसा नहीं करना है कि हाँ सर ने छोड़ दिया तो कमेंट करने लगो, नहीं, खुद से लिख लेना। कोई कोई चीज़ छूट सकती है ना। तो ये वाली हमारी इक्वेशन आ गई। दूसरी तरफ क्या ये वाली इक्वेशन, जो ये वाले टर्म है और ये वाले टर्म है, क्या ये दोनों सेम है? ये वाले स्टेप के बाद, इसके बाद अब क्या करोगे, ये वाली स्टेप नोट करोगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू, सॉरी दो टर्म्स हैं तो क्या करोगे, इसको ट्वाइस कर दोगे, ट्वाइस डी यू अपॉन डी एक्स आई के। फिर ये जो प्लस वाली टर्म है, क्या यू एक्स यहाँ पे भी है और क्या यू एक्स यहाँ पर भी है? हाँ भैया, दोनों में से यू एक्स को कॉमन ले लो। यू एक्स को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस आई के। क्या बचेगा भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस आई के। हमारी टोटल इक्वेशन ये हो चुकी है और इसको हमने कंसिडर कर लिया, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर एट। क्या ये इक्वेशन नंबर एट है? सात तक हम क्या पहुँच गए थे? हाँ जी भैया, सात तक हम पहुँच गए थे, डिफ्रेंशिएशन वाली जो आपकी वो थी, जो हमने ट्वाइस डिफ्रेंशिएशन किया, ये वाली इक्वेशन को सात बोला। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर एट। सिमिलरली अब यहाँ पे दोबारा से बीटा स्क्वायर के लिए करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिमिलरली फॉर बीटा स्क्वायर, पुट इक्वेशन नंबर सेवन इन इक्वेशन नंबर फाइव। पांचवी इक्वेशन में आपको इक्वेशन नंबर सेवन पुट कर देनी है, तो दोबारा मैं कट मार रहा हूँ। ये अब ये हो गई भैया हमारी इक्वेशन नंबर नाइन। हमने क्या किया है कि जिस तरीके से पहले यहाँ पुट किया, पूरा का पूरा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी पूरी वैल्यू पुट करी, फिर उसके बाद डिवाइड किया, फिर उसके बाद इसको कॉमन लिया, ये चोचला मैंने आपके लिए कर दिया है। तो इसको आप एग्जाम में भी इस तरीके से लिख सकते हो कि भैया हमने सिमिलरली बी स्क्वायर वाली कंडीशन में हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेवन को इक्वेशन नंबर फाइव में पुट किया एंड वी गॉट इक्वेशन नंबर नाइन। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, अगर इक्वेशन नंबर नाइन और इक्वेशन नंबर एट इन दोनों को सॉल्व किया जाए, हालांकि इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और वो सॉल्यूशन आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो उसको अभी आप मत देखो। बस इतना समझो कि इक्वेशन नंबर एट और इक्वेशन नंबर नाइन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसके दो जनरल सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि किसी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। जनरल सॉल्यूशन किसके फॉर्म में होते हैं भैया, दो पार्ट्स में होते हैं, एक आपका ए कोफिशियंट के साथ होता है, दूसरा आपका बी कोफिशियंट के साथ होता है। तो जब दोनों जनरल सॉल्यूशन निकालोगे एट और नाइन का, तो ये दोनों इक्वेशन मिल रही होंगी। U1 हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर 8 और U2 हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर 9।
तो ये इक्वेशंस को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11। जब इन इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 को सॉल्व करोगे, ये मैट्रिक्स मेथड से होता है, ठीक है, इसको फर्दर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है, जो कि अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप ये चीज डायरेक्टली आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल रही होगी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर केपी मॉडल। केपी मॉडल के लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए होती थी वो ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसमें जो आपका P है यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है भैया? यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? दूसरी तरफ जो ये आपका ये K है, हालांकि मैंने क्वांटम फिजिक्स के टाइम पे पढ़ाया था इस चीज़ को, ये K है आपका वेव वेक्टर, और इस K की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 2π/λ। ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते टाइम पे बताया था, मगर अगेन आप देख लो कि भैया K जो है वो है हमारा वेव वेक्टर, और जो P है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? वही V is equal to V naught वाला है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, ये वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी तक क्या कहानी समझ में आई? क्या इसको हम दोबारा रिवाइज कर लें? हाँ जी भैया, बिल्कुल रिवाइज करवा दो, क्योंकि दिमाग के ऊपर से चला गया है और ज़्यादा समझ में आया नहीं है। ऐसा कैसे समझ में तो पूरा आया है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म वेव मिली थी, जो हमें कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म ग्राफ मिला था, उसको हमने क्या किया? रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज किया। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें दो रीजन्स मिले। रीजन नंबर 1 डिपिक्ट करता है पोटेंशियल वेल को, रीजन नंबर 2 दर्शाता है पोटेंशियल बैरियर को। जो पोटेंशियल बैरियर है वहां जो हमारा वी है वो कितना है? वी नॉट है, मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर है। और जो रीजन नंबर 1 है जहां पोटेंशियल वेल है, कुआं है, कुएं में क्या है भैया? पानी खत्म है कभी कभी, तो वहां पे क्या हो रहा है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वी इज इक्वल टू 0 है। क्या इतनी कहानी समझ में आई? दो रीजन्स हमने निकाले। दो रीजन्स निकालने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया? यहां पे हमने दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस निकाली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन्स। जो हमारी रीजन की रिक्वायरमेंट थी, कहीं पे वी इज इक्वल टू 0 था, कहीं वी इज इक्वल टू वी नॉट था, वो पुट करके हमने दो इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस निकाली जो कि श्रोडिंगर की है। दूसरी, जब उन वेव इक्वेशंस में हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कंसिडर करेंगे तो कुछ ये 4 और 5 इक्वेशन निकलेगी। इसको हमने देख लिया। इतना करने के बाद हमें क्या मिला? इतना करने के बाद हमें मिल गया भैया, सबसे पहला तो हमने देखा वेव फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन है हमारा उन्हीं दो वेव इक्वेशंस का, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है उन्हीं का वेव फंक्शन है ये। इस वेव फंक्शन को जब हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? d² psi upon dx² की वैल्यू मिलेगी। क्या हम d² psi upon dx² की वैल्यू को 4 और 5 इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? हाँ जी भैया, जब फोर्थ इक्वेशन में पुट करोगे, हाँ डिवाइड किया, ये सब तो अलग बात है। फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे हमने पुट किया है, सेवेंथ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे हमने पुट किया है, आपको पता होगा कॉपी में लिखा होगा, इसको देखो जरा। तो ये हमने पुट करके और ये वाली वैल्यू निकाली है जो कि हमारी 8th वैल्यू है। इसके बाद सिमिलरली उसी चीज को हमने क्या किया फिफ्थ इक्वेशन के साथ, जहां बीटा स्क्वायर वाली वैल्यू थी वहां में हमने पुट किया और हमें इक्वेशन नंबर 9 मिली। अब इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को जब सॉल्व करोगे, किसी भी वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशंस हमें मिलती है जो कि जनरल सोल्यूशन है फॉर दोज टू इक्वेशंस। जो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 है उनके दो जनरल सोल्यूशंस हमें निकल के आ चुके हैं, जिसे हम U1 और U2 कहते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी जिसको जो कि है रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर केपी मॉडल। और यहां तक आपको पढ़ना है, यहां तक आपको पढ़ना है, जिसमें अलग अलग चीजें मैंने बताई। P है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और जो हमारा K है वो है हमारा वेव वेक्टर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे पहले बात कर चुका हूं। इसके बाद अब क्या बचा है भैया? इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी क्यों लिखा भैया? अभी तक तो आप वी नॉट बोल रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो कितना भी हो सकता है, वो इंफिनिटी भी हो सकता है। तो यहां पे हमने जो बेस्ट केस है वो उसको इंफिनिटी समझ लिया। दूसरा, एंड वी इज इक्वल टू 0, वी टेंडिंग टू इंफिनिटी और वी इज इक्वल टू 0 के लिए हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले केसेस में डिवाइड कर दो इसको। केस नंबर 1 क्या कहता है?
केस नंबर वन कहता है कि भैया अगर वी टेन टू इन्फिनिटी है तो एनर्जी क्या होगा। दूसरा, सबसे पहले क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन है पी साइन अल्फा बाय अल्फा ए, पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, क्या यही इक्वेशन है? हाँ जी भैया यही इक्वेशन है। क्या करो, ये जो पी है पी को पूरे में डिवाइड कर दो, पी को जैसे ही डिवाइड करोगे यहां मिल जाएगा साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा ए अपॉन पी इज इक्वल टू कॉस के ए अपॉन पी। क्या करो, पुट को पुट, फिर उसके बाद जैसे ही पी को इन्फिनिटी पुट करोगे क्या ये वाली वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी? हाँ जी भैया जीरो हो जाएगी। साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो, क्या इसको जो हमारा अल्फा ए है उसको जैसे ही मैं उधर भेजूंगा क्या वो भी जीरो हो जाएगा? हाँ जी भैया वो भी जीरो हो जाएगा। क्या आपको ये पता है कि साइन जीरो किस कंडीशन में होता है? साइन जीरो उस कंडीशन में होता है जब हमारे साइन एन पाई की वैल्यू को निकाली जाए। एन की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, वन टू थ्री फोर, जो भी आप रखना पसंद करो। हालांकि ये एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर सब पूरा रहता है, ठीक है। जैसे ही आप एन की वैल्यू को जितना भी पुट करोगे अगर वो पाई के मल्टीपल में है तो उसकी साइन वैल्यू कितनी निकलेगी भैया? जीरो निकलेगी। वैसे ही क्या साइन अल्फा ए कि मैं जो अल्फा ए है क्या मैं इसे कह सकता हूं कि अल्फा ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये तो ये सरप्राइज खुल गया, गलत बात है, रुको चलो मैं स्लाइड शार्ट कर लेता हूं, तब तक आप थोड़ा सा मजे करो। क्या था कि भैया साइन अल्फा ए, अल्फा ए जैसे ही साइन एन ए रखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। क्या ये अल्फा ए की जगह हम एन ए लिख सकते हैं, एन पाई लिख सकते हैं? हाँ जी भैया, ये जो हमारा अल्फा ए होगा अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो है और इसको उसकी वैल्यू भी जीरो है, तो क्या अल्फा इज इक्वल टू एन पाई होगा? हाँ जी भैया, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो अल्फा ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भैया? एन पाई होगी। अब क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई बाय ए, सिमिलरली अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई बाय ए स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है ना, ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने जब अल्फा की वैल्यू को लेट किया था, सिंस जो हमने अल्फा की वैल्यू को लेट किया था वो कितना था भैया? 2he अपॉन, नहीं एक सेकेंड, 2he नहीं था, मेरे ख्याल से 2me था क्या, इक्वेशन में भूल गया यार। हमने अल्फा की वैल्यू को क्या लेट किया था? आपके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी भैया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2me अपॉन h कट स्क्वायर। क्या इस अल्फा स्क्वायर को यहां पे इक्वेट किया जा सकता है? हाँ जी भैया बिल्कुल इक्वेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा आपका 2me अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर। क्या हम इस सारे जो 2me अपॉन h कट स्क्वायर है उसको उधर भेज सकते हैं? हाँ जी भैया, e इज इक्वल टू आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे इनटू में फर्दर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा h कट स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2me एक्स्ट्रा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2m और a स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारी एनर्जी की, यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे पुट कर दो, पुट एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। क्या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको ये एच कट और एच अपॉन टू पाई के बारे में बताया था? हाँ जी भैया, एच कट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एच अपॉन टू पाई होती है। फाइनल हमारे एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर इन टू एच कट स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रख दिया भैया? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्या इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट गया? हाँ जी भैया कट गया। नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी? नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8
और एम ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एम ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये वाली जो आपकी इक्वेशन निकली, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वी टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब कि जो आपका वी मैक्स वाली कंडीशन है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी भैया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट अपॉन एट एम ए स्क्वायर। क्या ये कहानी हमें समझ में आई? क्या एनर्जी हमने किस तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच रेक्टेंगुलर मॉडल से डिराइव किया? क्या ये हमें पूरा समझ में आ गया? हाँ जी भैया, समझ में आ गया। अब एक और केस बचा हुआ है, एक और केस है भैया। किसका केस है? हमारा वी इक्वल टू जीरो का। केस नंबर टू किस तरीके से बनेगा भैया? केस नंबर टू के लिए हमें क्या करना होगा? केस नंबर टू के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी पी वाली इक्वेशन थी, पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, यही इक्वेशन थी क्या? क्या यही इक्वेशन थी हमारी? अरे यार, कहाँ गई इक्वेशन? हाँ, P साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। हाँ, यही सेम इक्वेशन थी भैया। हमने क्या करना है, जो हमारा केस टू है, केस टू क्या था? केस टू है हमारा पोटेंशियल वेल वाला। मतलब कि V इज इक्वल टू जब जीरो होगा, जब V इज इक्वल टू जीरो होगा, तब की कंडीशन ये है। क्या करेंगे भैया? पुट P इज इक्वल टू जीरो। अब ये P और V में कंफ्यूज नहीं होना है। V भी हमारा पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है और P भी हमारा पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, बस नाम का फर्क है। मतलब P और V एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही हैं। तो हम क्या करेंगे, P की जगह पे जीरो पुट कर देंगे। जैसे ही जीरो पुट करोगे, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरा टर्म है, ये कितना हो जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या बच जाएगा? कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए बच जाएगा। क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू के है? अल्फा इज इक्वल टू के है। दोनों तरफ हमने क्या किया? एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा। क्या हमें k की वैल्यू पता है? क्या हमें k की वैल्यू पता है? हमने वेव वेक्टर के बारे में मैंने इतना इंफेसिस इसीलिए दिया था क्योंकि यहाँ वेव वेक्टर काम आने वाला है। k इज इक्वल टू कितना होगा भैया? 2π/λ। दूसरी तरफ अल्फा की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी? अल्फा की वैल्यू याद करो, अल्फा की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी? अल्फा की वैल्यू हमने लेट करी थी कितनी भैया? 2me/h2। ये हो गई भैया हमारी अल्फा की वैल्यू। क्या ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे? हाँ जी भैया, बिल्कुल पुट कर दोगे। पहले इसको नोट कर लो, नोट करते जाना यार। कई बार क्या होगा कि मैं नोट करवाना शायद भूल जाऊँ क्योंकि फ्लो में निकल जाऊँ। तो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना, तो नोट करते जाना। हालांकि याद जैसे ही आएगा वैसे ही नोट करवा दूंगा, लेकिन लिख लो फिर भी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ सेम वैल्यूज को पुट कर दो। एक सेकेंड, ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, 2me/h2 इज इक्वल टू, वहां पे क्या आ रहा है भैया? 2π/λ इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वहां k का स्क्वायर है। क्या करेंगे? 2me/h2 इज इक्वल टू 4π/λ। अब यहां पे हमें पता है कि भैया फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी होती है भैया? h अपॉन mv होती है। और अभी h कट हमने क्या देखा? h कट की वैल्यू होती है भैया h अपॉन कितनी होती है? h अपॉन 2π, है ना? क्या इन दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ पुट कर दोगे? हाँ जी भैया, बिल्कुल पुट कर देंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लो स्ट्रक्चराइज। e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? h कट उधर चला गया, 4π² h कट की जगह पे, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ अच्छे से, h कट स्क्वायर अपॉन ये चीज़ें नीचे जाएंगी, क्या हो जाएगा भैया? 2m और लैम्डा, लैम्डा की जगह पे h अपॉन mv पुट करो। और दूसरी चीज़ कि जो हमारा h कट है, h कट की जगह पे h अपॉन 2π लिखो। चलो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी होगी 4π² और h कट की वैल्यू क्या थी भैया? h अपॉन 2π। एक सेकेंड, या तो एक काम करते हैं, ये h कट और इसको अलग ही कर देते हैं, 4π² / 2m अलग हो जाएगा / 2m, और h कट की जगह पे क्या लिख दिया? h कट की जगह पे हमने लिख दिया h अपॉन 2π, और क्योंकि h कट का स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लगा रहा, मत भूलना।
दूसरी तरफ 1/π लिखा हुआ है, तो 1/π क्या होगा, अगर इसको अपन 1/π के टर्म्स में देखें तो 1/π की वैल्यू होगी mv/h, तो यहां पे आ जाएगा mv/h। क्या यहां काटा पीटी हो रही है, क्या यहां पर काटा पीटी हो रही है? हाँ जी भैया, बिल्कुल काटा पीटी हो रही है। 4π² / 2h² / 2π / 4π² और यहां पे v/h आ जाएगा। ये तीन ही चीजें इनटू में रहेंगी। क्या ये 4π² से ये 4π² कट गया, क्या 1h से 1h कट गया? हाँ जी भैया, बिल्कुल कट गया। नीचे कुछ बचा नहीं, hv/2। लेकिन यार hv/2 कैसे आ सकता है, ये कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। हाँ, यहां पे क्या किया है हमने, ये लैम्डा स्क्वायर को मिस कर दिया, यहां पूरे लैम्डा स्क्वायर रहेगा, यहां लैम्डा स्क्वायर, यहां एमवी, ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही होगी। फाइनल इक्वेशन कैसी बन रही होगी, इज इक्वल टू 4π² / 2m। ये काटा पीटी वाले हिसाब के तो हटा देना थोड़ा सा, h² / 4π² और ये आ जाएगा m²v²/h². एक एच स्क्वायर से ये कट गया, 4π² से ये कट गया, एक m से m² कट गया। हालांकि ये लास्ट स्टेप मत करो, m को मत काटो, m को रहने दो, ठीक है। इतना कटने के बाद क्या मिलेगा भैया, ऊपर हो गया हमारे पास m²v² और नीचे हो गया हमारे पास 2m। ये m को मैंने पता क्यों नहीं कटवाया, क्योंकि m भी कितना होता है, हमारा होता है मोमेंटम। जो हमारे मोमेंटम की वैल्यू होती है वो कितना होता है, एक सेकंड कंफ्यूज मत करना, जो वहां पे मैंने p लिखा था वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ये है, ये मैं मोमेंटम को डिनोट कर रहा हूँ, मोमेंटम को डिनोट कर रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लास्ट, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद और भी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू p² / 2m। तो ये पूरी कहानी है आपकी, ये आपका मिल गया क्या, ये आपका मिल गया एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वी इज इक्वल टू 0। बहुत 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 लंबी वीडियो हो चुकी है, मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन संतुष्टि तो मिल रही है ना यार, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से अपन ने सारी चीज़ें करी, इतने बेहतरीन तरीके से हमने सारी चीज़ें करी, क्या मज़ा आ गया है। अगर मज़ा आ गया तो क्या करोगे, कमेंट्स में अपना नाम बताओगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो ये बताओगे, और कौन से शहर से हो ये बताओगे। अगर मज़ा आ गया तो कमेंट सेक्शन में भैया दिल खोल के जितना चीज़ें लिख सकते हो लिख डालो सब। दूसरी चीज़, एक बार फिर रिवाइज करो, हमने क्या किया आज की वीडियो में, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि क्रॉनिक पेनी मॉडल एक्चुअली में आया क्यों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, एनर्जी को दोनों पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर में फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। दोनों चीज के लिए क्या किया क्रोनिक पेनी ने, सबसे पहले तो जो इक्वेशन निकाली p sin α a / α a वाली इक्वेशन वो निकाली, और दूसरा दोनों केसेस में, केस वन कौन सा, जब v टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब v मैक्स है, तब वाली इक्वेशन निकाली, और दूसरा जब v इज इक्वल टू 0 है, दोनों केसेस के लिए हमने क्या किया, सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर लिया, और दोनों एनर्जी के जो फॉर्मूलाज हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हो सकता है कि कंफ्यूज हुए हो, जैसे एक जनरल सॉल्यूशन वाला, कई बच्चों ने अगर वेव इक्वेशंस नहीं पढ़ी हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या कभी भी वेव फंक्शन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है अपने 11th और 12th क्लास में, तो उन्हें ये जनरल सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, एग्जाम में वो चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू का आप उस चीज़ को बर्डन लेके चलो। एक छोटी सी चीज़ है, ध्यान में रखना कि जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाता है। अब बारी आती है भैया, क्या आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए क्या मैंने सरप्राइज खोल के रखा था, आप उसके लिए, हम वेट हमारा ओवर होता है, सरप्राइज है आपका शाउट आउट्स। ये हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लेक्चर्स के लिए, कि भैया इसका इंट्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, अभी पीछे क्या लिखा हुआ वो मत देखो, इसका इंट्रोडक्शन करने का मतलब ये है कि मैं आपको दो केसेस में कमेंट करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ।
कमेंट करने के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहला केस, इन शाउटआउट्स में मैं दो कमेंट्स डेली उठा रहूँगा अब से, मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे बिजनेस के हों, या कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म में कोई भी लेक्चर्स हों, वहाँ पे आपका शाउटआउट्स का एक अलग से सेक्शन होगा जो कि लास्ट में होगा, और वहाँ दो कमेंट्स जो सबसे बेहतरीन होंगे, बेहतरीन किस सेंस में मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जो दो कमेंट्स होंगे जो सबसे बेहतरीन लगेंगे वो यहाँ पे निकाले जाएंगे। आज के कमेंट में हमारे पहले हैं स्टार, जो कि खुद से ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हाँ भैया हम स्टार हैं। दूसरी है हमारी कनिका शर्मा, इन दोनों ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कमेंट किया, उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये कमेंट किस तरीके का उठाया जाएगा, मतलब शाउटआउट में मैं किस तरीके का कमेंट उठाऊंगा, मैं उस तरीके का कमेंट उठाऊंगा कि जो दो केसेस में होंगे। पहला केस, कोई ऐसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कैसे, जैसे स्टार भाई साहब ने क्या कहा कि सर आप अपना जो कैमरा है वो थोड़ा सा दूर रख लो, फोकस अच्छे से नहीं हो पाता है। ये कैमरा दूर हो गया, नहीं है अभी दूर, और दूर कर लो, एक काम करो, हल्का दूर इसको और कर दो, नीचे ना गिर जाए बस, हाँ ठीक है। तो इतना दूर हो गया, हमने अपना कैमरा दूर किया, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे यहाँ बैठ के आपका पर्सपेक्टिव नहीं पता है कि भैया लेक्चर में आप किस तरीके से फोकस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मेरा पढ़ाना, मेरा ध्यान क्या है, पढ़ाने में। वहाँ पे आपको अगर फोकस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बेशक आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो, उसको उठाऊंगा और मैं लेक्चर में इसलिए इंक्लूड करूंगा क्योंकि अगर वो आपकी प्रॉब्लम है तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी। तो अगर सपोज लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट हो गया, तो मैं उसको यहाँ पे शाउट आउट में डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, कोई ऐसा कमेंट जो इनोवेटिव हो, दूसरा केस, कोई ऐसा कमेंट जो कि इनोवेटिव हो, इनोवेटिव के सेंस में कि भैया कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फीचर, जैसे ये शाउट आउट्स का फीचर है, ये मैंने एक जगह से लिया जो कि बहुत अच्छी टीचर है, मैंने वहाँ से इस चीज़ को लिया है, टीचर नहीं वो एक्चुअली दूसरे नीच का कॉन्टेंट बनाती हैं, मैंने वहाँ से ये शाउट आउट्स निकाला। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स जो आप चाहते हो कि भैया आप इस तरीके से पढ़ाओ, इन इन चीज़ों को इंक्लूड करो। जैसे अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं डायग्राम्स की जगह पे एनिमेशंस का यूज़ करूँ, एनिमेशंस थोड़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे फीचर्स जो आप नए सजेशंस दे सकते हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इन दोनों तरीक़ों के, पहले को एग्जिस्टिंग कोई फीचर है उसमें अगर बग आप फाइंड कर पा रहे हो उस चीज़ को कमेंट में लिखो, दूसरा कि आप कोई नई फीचर, कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, दोनों को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये दोनों कमेंट्स शाउटआउट्स के जरिए से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या शाउटआउट्स का मतलब समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया क्यों हमने ये कमेंट्स वाले फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है। भर भर के नीचे कमेंट करो यार, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी नई चीज़ें चाहते हो कि हम किस पे लेक्चर लाएँ, किस पे लेक्चर ना लाएँ, क्या डाउट है, कोई चीज़ रह गई, कोई चीज़ बाकी है, क्या कराना है, दिल खोल के जो जो चीज़ें बता सकते हो, जो जो चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, या जो जो चीज़ें पूछ सकते हो कि भैया ये कैसे करें, सब कुछ पूछ डालो दिल खोल। एक पहला ये काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना। कल को अगर मैं एक्स वाई जेड, जैसे अगर मैं अब इससे मिलूंगा, क्या नाम है इनका, कनिका शर्मा, अब अगर मैं मिलूंगा और उन्होंने मुझे बताया भैया आपने मुझे शाउट आउट दिया था कनिका शर्मा 355, तो मैं उनको फट से पहचान जाऊंगा, मैं जान जाऊंगा कि भैया ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पढ़ के एग्जाम को क्लियर किया है, एग्जाम को आगे निकाला। तो ये एक रिलेटिविटी, एक बॉन्ड होता है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ये बहुत पक्का हो जाता है जब हमें नाम पता होता है। मुझे पता है भैया कनिका मुझसे पढ़ रही है, मुझे पता है राहुल मुझसे पढ़ रहा है, मुझे पता है कि भैया अर्जुन मुझसे पढ़ रहा है। तो ये अलग अलग बॉन्ड्स हमें हमारे डेवलप होते हैं, तो नाम अपना जरूर कमेंट करना है। चलो अब वीडियो को यहाँ ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, ये शाउट आउट वाला सेक्शन हो गया। पहला तो स्टार ने ये बोला है कि कैमरा थोड़ा दूर करते हैं, बेशक स्टार कैमरा को दूर कर रहे हैं ताकि आपका फोकस बेहतरीन हो पाए। सर यू हैव स्टार्टेड BEEE आफ्टर फिजिक्स, इनका कनिका शर्मा का क्या डाउट था कि जो फिजिक्स के लेक्चर्स हैं वो BEEE के बाद स्टार्ट हुए हैं, बट स्टिल BEEE के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गए हैं लेकिन फिजिक्स के नहीं हो पाए हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है कि मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और BCE भी पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज कर पा रही हूँ। अगर दोनों को आप मिलाओगे ना तो BEEE से ज़्यादा चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा दोनों तरफ आप देखो, BEEE एक सिंगल टीचर करा रहा है, फिजिक्स आपको फिजिक्स और BCE दोनों मैं करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। बाकी हाँ, मैंने आपको तीन तीन चैप्टर्स कराने का वादा किया था, भैया ने आपको तीन तीन चैप्टर्स कराने का वादा किया था, वो फुलफिल होगा। BCE के आपको तीन चैप्टर्स मिलेंगे, फिजिक्स के आपको तीन चैप्टर्स, ये कंप्लीट हो चुका है, बस हॉल फैक्ट बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तीन तीन चैप्टर आपको मिलेंगे, आपका बेहतरीन तरीके से एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये तीन चैप्टर अच्छे से करके जाना। बाकी जो दो बचे हुए चैप्टर हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूँ, कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, कि ये तो पक्के पक्के से कर ही के जाना, इनको तो छोड़ के मत जाना। BCE की ऐसी वीडियो बना दूंगा,
अभी सोच रहा हूँ, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आएगी, भैया बना रहे होंगे या मैं बना रहा हूँगा वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो ये वाली कहानी है। अब परेशान नहीं होना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको लिखाई उसको नोट करते जाना, चीज़ों को रिवाइज़ करते जाना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।